पूरे भारत में जननी सुरक्षा योजना लागू किया है, जिस तहत गाड़ी भी रखे हुए हैं ब्लॉक लेवल में, जो कि हमेशा तत्पर रहता है। जब प्रेग्नेंट वुमेन्स को डिलीवरी का टाइम होता है तो ये आशा जो है जननी एक्सप्रेस को फ़ोन करती है और जननी एक्सप्रेस तुरंत उस गांव में पहुंच जाता है और वो महिलाओं को ठीक तरह से डिलीवरी करने के लिए सुरक्षित लेता है और डिलीवरी के बाद भी वो घर तक छोड़ने आता है। सरकार योजना बनाती है लेकिन लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, तो फिर ये योजना ये बनाने का क्या फ़ायदा? ना ही मेरे गांव में बल्कि पूरे उड़ीसा में ये जननी एक्सप्रेस से लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। डिलीवरी करने के लिए आशा दीदी की जनईल, आशा दीदी जननी गाड़ी पाक फोन कले, सी कौन मना कले, कहे तुम निजी पलैसपर आशा दीदी आम अटो फटो फोन कलु, अटो आसल स्कूटर जाकि स्कूटर आसल अच्छा आपणकर जानुरी 29 गोटे छुआटे हबार थिला माने मरीगला, तो आप जननी एक्सप्रेस जो ताको फोन करते आशा दीदी फोन करते आशा दीदी को फोन करते आशा दीदी आसाला ये अंगनवाड़ी आशा दीदी ना ये सी आसिकए टेम्पोवाला को कहीदेला, टेम्पोवाला आसला नहीं आ गोटा ये कमांडर गोटे आसला आसला नहीं से गाड़ी पलैलु पलैकि टांगी गलु टांगी कहला है पार्बन कटक नहीं जा कह सब एरिया रु जदी पब्लिक चाहिबे सेटा कलेक्टरेट रे देला परे सिटी मखो से ऑर्डर करले आस परियो। इसीलिए मैं चाहती हूं कि नीचे दिया गया नंबर या एड्रेस पर आप एक एक कंप्लेंट दर्ज करें, जिससे हर पंचायत में या हर ब्लॉक लेवल में और ज़्यादा जननी एक्सप्रेस सरकार लाए, ताकि ऐसे सुरक्षित महिलाओं को उनके प्रेग्नेंट के समय डिलीवरी हो सके उनका। इंडिया ऑनलाइन के लिए मैं उड़ीसा के कटक डिस्ट्रिक्ट से सरिता विश्वास।